कर नहीं को हो रहा भारतीय था। सेना। नए चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज मेटलर्जी। सम बेसिक अबाउट अबाउट मेटलर्जी इज देयर विद यू गाइस ऑलरेडी बिकॉज यू हैव स्टडीड इन 9th और 10th स्टैंडर्ड। मेटलर्जी होती क्या है इनफैक्ट? मेटलर्जी तो एक स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग होती है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग वैसे ही मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होती है। और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हिंदुस्तान में बहुत ही कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिलती है। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, वो बीटेक मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं। And that is the beauty of engineering. You do engineering of any kind and you do work in other fields. तो ये अच्छी चीज है। आप बीटेक किसी में करें, रिसर्च किसी में करें और काम कुछ और तीसरा करें, ये इंजीनियरिंग की ब्यूटी भी है आजकल। मुझे तो अच्छा लगता है, ये अच्छी चीज है। सभी एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। ओके दोस्तों, मेटलर्जी आप सब लोगों ने मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेटल हमारा अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, सारे के सारे मेटल्स उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं तो वो ओर्स और मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं। जो मिनरल है वो कंपाउंड होते हैं, वो सल्फाइड हो सकते हैं, ऑक्साइड वाले कंपाउंड हो सकते हैं, हेलाइड वाले कंपाउंड हो सकते हैं, ऑक्सी एसिड वाले उनके कंपाउंड, कार्बोनेट्स कंपाउंड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं, सिलिकेट्स हो सकते हैं। जनरली ही कंपाउंड्स की फॉर्म में डिफरेंट मेटल्स मिलते हैं हमें, और इन कंपाउंड्स को विद अदर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट विद देम इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। आप सभी लोग जानते हैं मिनरल और ओर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मिनरल तो नेचर में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी कंपाउंड अलोंग प्योरिटीज जिसमें पर्टिकुलर एलिमेंट और यहां पे मेटलर्जी में मेटल प्रेजेंट है, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स को हम इस कदर यूज नहीं कर सकते कि उनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए और उसका कॉमर्शियल यूज कर पाए। क्योंकि एक चीज होती है रोकड़ा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या उसको पर्टिकुलर उस मिनरल से जो मेटलर्जिकल प्रोसेस लगेंगी उसमें जितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें जितने टेक्निकल लोग इंजीनियर्स चाहिए, उसमें जितने आपके ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग वर्कर चाहिए, जितने भी लोग चाहिए उनका पूरा इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी, जैसे एक हिंदुस्तानी जो दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रहता है वो है मित्तल स्टील के मालिक, और एक्चुअली आई फॉरगेट क्या था एक्चुअली। ओके, मित्तल स्टील, तो उन्होंने अपना पूरा बिजनेस यूनाइटेड किंगडम में, उधर यूरोप में ही डेवलप किया है मेनली, इंडिया में उनके ऑपरेशंस नहीं है, और कुछ कुछ फील्ड में आ चुके हैं। मित्तल स्टील इज देयर इन इंडिया एज वेल, बट इन वेरी लेस, वेरी लेस कंट्रीब्यूशन इन इंडियन। तो दोस्तों, मेटलर्जी, मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है एक पर्टिकुलर मिनरल से, एक पर्टिकुलर कंपाउंड से, तो अर्थ क्रस्ट में मिला उससे फाइनली हमें मेटल चाहिए। तो हम धीरे धीरे चीजें हटाते हैं, जो अर्थी या सिलिसियस इंप्यूरिटीज हैं जिसको हम
गैंग पार्टिकल या फिर गैंग पार्टिकल या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्ले वगैरह ये सब है ना, एलुवियल सोइल, ये सब जो की होती है, उनको हम हटाते हैं और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बढ़ा लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं मेटलर्जी में। वो सब सिलिसियस अर्थी इंप्यूरिटीज हट चुकी, तो उसके बाद कंपाउंड अभी भी है हमारे पास। जैसे हमारे पास लेड है तो पीबीएस की फॉर्म में है, जिप्सम की फॉर्म में है आपका कैल्शियम, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना है, इप्सम की फॉर्म में है, मैग्नेसाइट की फॉर्म में, तो MgSO4 में। दिस वे यू कैन गेट दिस मेटल। उस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर हम हटाएं मेटल से, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को सिर्फ मेटल निकालें, तो जैसे सल्फाइड है तो सल्फर को हटाना पड़ेगा वहां से। जैसे PbS गैलेन है तो Pb+2 है, उसको हम रेड्यूस कर देंगे तो एलिमेंटल स्टेट में आ जाएगा आपका मेटल, Pb आ जाएगा एलिमेंटल स्टेट, राइट? Pb मिल जाएगा हमें एलिमेंटल स्टेट में और दैट मेटल। लेकिन उसके साथ फिर भी दूसरी इंप्योरिटीज रहती हैं, तो एक प्रोसेस होती है रिडक्शन, एक प्रोसेस होती है रिडक्शन। इंप्यूरिटीज और दी इंप्योरिटीज, गैंग पार्टिकल ये सब हटाने के बाद जो मेटल का एक्चुअल कंपाउंड है, कंबाइंड फॉर्म में अगर मेटल अर्थ क्रस्ट में मिला है, तो उससे हमें सिर्फ मेटल चाहिए, तो मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, पॉजिटिव में। उसका रिडक्शन कर दे तो एलिमेंटल फॉर्म में मेटल आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मेटल मिलता है, उसके साथ दूसरी कुछ इंप्योरिटीज, दूसरे मेटल की या फिर नॉन मेटल की या फिर किसी भी तरह की अलग अलग और में अलग अलग तरह की इंप्योरिटीज हैं, उससे हमें फिर मेटल के साथ दूसरी इंप्योरिटीज होती हैं। वो मेटल के साथ इंप्योरिटीज हैं, उनको गैंग पार्टिकल नहीं बोलते हैं, उनको हम ड्रोस बोलते हैं। वो भी इंप्योरिटी है, पर DROSS, ड्रोस। पहले मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं, देन वी विल स्टार्ट राइटिंग और सब कुछ लिखवाऊंगा, डोंट टेक वरी। अब ये जो इंप्योरिटीज ड्रोस वाली है, इनको हम लोग हटाते हैं और उन इंप्योरिटीज को मेटल से हटाना रिडक्शन के बाद कहलाता है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल तो मिल गया लेकिन क्रूड मेटल है, क्रूड मेटल मतलब इंप्योरिटीज है उसमें, जैसे क्रूड ऑयल होता है वैसे क्रूड मेटल, मेटल हमें मिल गया, उसमें स्टिल इंप्योरिटीज है, ड्रोस है उसमें। उससे अगर हम वो इंप्यूरिटीज हटा दें जो मेटल के साथ है, तो उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड मेटल में कुछ इंप्योरिटी हट जाती है लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ इंप्योरिटी फिर भी बच जाती है, तो अब उस प्यूरिटी को अल्ट्रा प्यूरिटी में कन्वर्ट करना है और उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। बहुत सारे लोग प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग को एक साथ लेकर चलते हैं, पर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग में कुछ डिफरेंस होता है। हाँ, प्यूरिफिकेशन के बाद भी अगर आपको हाई प्यूरिटी 99.9 समथिंग प्यूरिटी मिल गई उस मेटल की, तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिली तो हम रिफाइनिंग से, रिफाइनिंग के कई मेथड होते हैं, रिडक्शन के कई मेथड होते हैं, डिपेंड करता है कौन पावर है उस हिसाब से, पर ब्रॉडली क्लासिफाइंग ये सब स्टेप है जो हमें मिनरल ओर है। मिनरल ओर में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग जानते होंगे, ओर से एक्चुअल में मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मिनरल का एक स्पेशल केस है ओर। अगर हम बोले किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, मैग्नीशियम के या आयरन के, मिनरल इतने सारे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मिनरल इतने सारे हैं आपके, इट्स नॉट गुड लुकिंग, मिनरल इतने सारे हैं, आई बाबा, ये मिनरल को बता रहा है। एक्सक्यूज मी सर,
यस बोलो सर, अभी कितने लेक्चर और लोग हैं आप? आज 2 घंटे, बीच में 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है? मिनरल और यू वांट टू से समथिंग? मिनरल और वो होते हैं जिनसे हम कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाए। इकोनॉमिक्स भी देखनी पड़ेगी, ये नहीं कि नेचर में किसी भी कंपाउंड की फॉर्म में मिल रहा है उसको हम मिनरल बोल देंगे, लेकिन और तो वो मिनरल होता है जिससे हम इकोनॉमिकली कॉमर्शियली कॉमर्शियल वायबिलिटी इकोनॉमिक वायबिलिटी और कन्वीनियंस देखते हुए हम जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो एक्चुअल में हम और से ही मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल का खास मिनरल को हम और बोलते हैं जहां पे इकोनॉमिक्स और कन्वीनियंस इन्वॉल्व हो गई। तो कई और हो सकते हैं कई से, लेकिन जनरली जो हम कॉमर्शियल लेवल के ऊपर ऑब्टेन करते हैं पर्टिकुलर मेटल को, वो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, उससे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फाइन। तो बच्चों मिनरल और यहां पे क्या आ गया, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो गई एंड कन्वीनियंस मेनली इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकल होना चाहिए कन्वीनियंट होना चाहिए। अगर मैं आपको बहुत सारे कुछ और के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब इंपॉर्टेंट, और वो सब हम और देखेंगे और के बारे में बात करेंगे। पहले सबसे पहले मेटलर्जी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटलर्जी है क्या, लिख लीजिए पहली लाइन। अब हम शुरुआत करते हैं लिखने की। मेटलर्जी द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल from its ore is metallurgy, is called metallurgy। कुछ छोटी छोटी हमने डेफिनेशन की बात की थी, लिखते जाएं। अब मिनरल और ore में डिफरेंस देख लेते हैं, मिनरल एंड ore, उसके बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ore हैं। आपके नीट में भी ore के नाम डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बताओ किसकी कौन सी ओर है, हेमेटाइट किसकी ओर है, मैग्नेटाइट किसकी ओर है। मैंने इतने सिंपल एग्जांपल लिए जो आप 9th-10th की मेटलर्जी में पढ़ चुके हो। मिनरल, सबसे पहले मिनरल की डेफिनेशन। मिनरल एक कंपाउंड होता है जिसमें मेटल भी प्रेजेंट होता है और उससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया भी जा सकता है प्रॉफिटेबली और प्रॉफिटेबली नहीं भी किया जा सकता, कॉमर्शियल वायबिलिटी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते हुए। तो दोनों, जब इकोनॉमिक वायबिलिटी बोल रही है कि यस गो अहेड तो वो और कहलाएगा, बोलेगी नो डोंट गो अहेड डोंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस तो हम बोलेंगे इस भाई साहब का नाम तो सिर्फ मिनरल ही हो सकता है, ये और वाली किस्मत नहीं लेके आया। राइट डाउन, कंपाउंड ऑफ ए मेटल या फिर मेटल भी हो सकता है खुद और उसके साथ इंप्योरिटी हो सकती है, पर जनरली कंपाउंड होता है जिसको हम लोग नेटिव ओर्स बोलते हैं, वो भी ओर है पर जनरली कंपाउंड होगा या फिर कंपाउंड और ब्रैकेट में कंपाउंड के ब्रैकेट में और मेटल विद इंप्योरिटीज, हम और मेटल विद इंप्योरिटीज, नेटिव मेटल नेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, अनकंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है। कंपाउंड तो तब यूज करेंगे जब कंबाइंड फॉर्म में किसी के साथ कंपाउंड बना रखा हो उसने, पर जनरली कंपाउंड मिलते हैं। नेटिव तो नोबल मेटल्स मिलते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन्हीं के ही नेटिव ओर्स मिलती हैं जिसमें एलिमेंटल फॉर्म में मेटल मिल जाता है, तो जनरली कंपाउंड होते हैं, पर मैंने एलिमेंट विद इंप्योरिटीज भी लिखवा दिया, उसको भी मिनरल और बोलेंगे। द कंपाउंड
ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, अर्थकृष्ट में जो मिलता है फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल. कंपाउंड और एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मेटल विद इंप्योरिटीज, दोनों चीज हो सकती है, दोनों और बोलते हैं. फ्रॉम मिनरल मेटल मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली. फ्रॉम मिनरल कंपाउंड मे और मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली. Profitably and conveniently. Done? No, sir. नहीं नोट किया है. From mineral, metal may or may not be extracted profitably and conveniently. अब लिखो और. मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यहाँ इकोनॉमिक्स आ गई है. मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली. इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली इज कॉल्ड ओर. तो इकोनॉमिकली, मेन तो इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंट. ठीक है, बस दो वर्ड ही मिनरल और में डिफरेंस बताते हैं. ये रोकड़े का मामला है, मिनरल और का डिफरेंस. अब हमने एक वर्ड यूज किया था गैंग पार्टिकल या फिर मेटल प्रेजेंट रहेगा. ये क्या होते हैं? सर किसी का माइक ऑन है. नाउ इट्स फाइन. ये जो है आपका, ये गैंग पार्टिकल और मैट्रिक्स होता क्या है? ये इंप्योरिटी होती है, यानी कि मिट्टी वगैरह, रॉक्स हो गई, कोई दूसरी रॉक्स प्रेजेंट होगी उसमें. ये अनडिजायर्ड मटेरियल होते हैं जिनको आप बोलते हैं कि ये अपनी जो कंपाउंड की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में है, उसको कंटामिनेट कर रहे हैं, या इंप्योरिटी, वो अनडिजायर्ड पार्टिकल है. तो लिखो, ये बेसिकली अर्थी एंड अनडिजायर्ड मटेरियल. अर्थी एंड, दो वर्ड यूज करते हैं, सिलिसियस. अरे अर्थ में जो मिट्टी मिट्टी होती है वो सिलिकेट्स तो होते हैं, तो अर्थी एंड सिलिसियस इंप्योरिटीज प्रेजेंट विद ओर, प्रेजेंट इन ओर इस गैंग और मैट्रिक्स, है ना. अब ड्रोस भी इंप्यूरिटी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. एज आई डिस्कस, ये वर्ड भी हम लोग यूज करेंगे. जब हम रिडक्शन करके कंपाउंड से सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइड, क्लोराइड, कुछ भी होगा, और उसको जब हम रिड्यूस करके मेटल ले आते हैं, तो मेटल के साथ भी कुछ इंप्योरिटीज बच जाती हैं. वो अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटी हो या नहीं हो, वो नहीं होते, दूसरे जनरली दूसरी अलग तरह की बच जाती है. वो जनरली दूसरे मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, दूसरे एलिमेंट बहुत बार होते हैं उसमें. तो उसको हम लोग ड्रॉस बोलते हैं, जो मेटल के साथ होती है, जो ओरिजिनली जो कंपाउंड और है उसके साथ है, उनको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, गैंग पार्टिकल बोलेंगे. लेकिन ड्रॉस जो मेटल के साथ है, लिख लीजिए, बस इतना ही डिफरेंस है मेटल और. इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद मेटल, इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद मेटल ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस.
obtained by various metallurgical process. आपने ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की मेटलर्जी पढ़ी है, आप लोगों ने सबने पढ़ी है, ब्लास्ट फर्नेस उसमें यूज करते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं, वो अलग अलग ओर में अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं ड्रोस वाली, कि ऊपर वो जब मोल्टन स्टेट में मेटल होता है तो उसमें ऊपर फ्लोट करती है जनरली ये ड्रोस वाली, और उसको हम स्किम ऑफ कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं बड़े प्यार से, जितनी वो लो डेंसिटी की होती है ड्रोस। तो मोल्टन मेटल के ऊपर स्प्रेड कर सकती है, मोल्टन मेटल में घुली हुई भी हो सकती है जब मेटल को हम प्यूरिफाई करेंगे उस टाइम पे, जैसे रोट आयरन की हम लोग मेटलर्जी करते हैं। जनरली लो मेल्टिंग सॉलिड है उनमें ऐसी होती है, वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, जिंक, एल्यूमिनियम, और उनके ऊपर फ्लोट करती है और ड्रोस को हम लोग स्किम ऑफ कर देते हैं, जनरली इट इज देयर, हम लोग ऐसा देखेंगे। तो वो मेटल के साथ है और ओरिजिनली जो कंपाउंड था और था उसके साथ थी, बस इतना सा मेजर डिफरेंस है। एक नोट सभी लोग लिख चुके हैं क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं बोल सकता हूं ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बिल्कुल सही है, लिख ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, और मिनरल का सबसेट है, सिंपल लैंग्वेज में और मिनरल का सबसेट है, और मिनरल का सबसेट है। अब हम ओर्स के बारे में बात करेंगे और फिर कौन कौन सी मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है, जनरल मेटलर्जिकल प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के काम आती है, फिर उनकी बात करेंगे। पहले ओर तो देख लें, उसके बाद हम जो भी ओर्स होती हैं, मिनरल को तो छोड़ ही दो, हमारे काम की ओर है ठीक है, जिनसे हम एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को, ओर्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं पढ़ते टाइम, मेटलर्जी पढ़ते टाइम। एक को हम लोग नेटिव ओर्स बोल देंगे और दूसरों को हम कंबाइंड ओर्स बोलते हैं, कंबाइंड ओर मतलब जो कंपाउंड की फॉर्म में है, नेटिव ओर्स एंड कंबाइंड ओर्स। इसलिए मैंने जब ओर की डेफिनेशन मिनरल की दी थी। यस प्लीज सर, मेडिकल क्लास का बैच ले रहे हो आप या फिर नॉन मेडिकल क्लास का? दोनों का, 11th या 12th? दिस इज 12th। सर आपने 11th वाले ग्रुप के अंदर मैसेज भेज रखा था क्लास का, जो अपना नीट मेडिकल, बाय मिस्टेक दैट मैसेज माइट बी ड्रॉप्ड, दिस इज 12th स्टैंडर्ड। ओके सर, मैं 11th का स्टूडेंट, तो मेरे कंफ्यूजन हो गई थी। ओके ओके, नहीं पढ़ लो, फिर भी पढ़ लो, अच्छी चीज है इफ यू विश। नेटिव ओर्स कंबाइंड, ओके सर, योर विश। नेटिव ओर्स क्या होती हैं? जैसे नोबल मेटल्स हैं, वो नेचर में एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, प्लेटिनम हो गया, ये सब नोबल मेटल्स है ना, नोबल मेटल्स जो बहुत इनर्ट मेटल होते हैं रिलेटिवली, पर यानी कि मेटल एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं ओर में, वो किसी कंपाउंड की फॉर्म में नहीं रहते, एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, पर इनके पास दूसरी इंप्योरिटीज तो है ही, गैंग पार्टिकल तो है ही, तभी और बनता है, नहीं तो ये डायरेक्टली यही मिल जाए यो की ओ, इम्प्योरिटीज तो है ही है, और नेटिव ओर का मतलब नोबल मेटल्स ही है। दूसरा कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में अगर हम बात करें कंबाइंड ओर्स या कंपाउंड की फॉर्म में जो रहते हैं, कंबाइंड मतलब सीधा कंपाउंड से आता है, फाइन, कंबाइंड ओर्स। अब देखो मेटल तो कैटायन होंगे, तो एनायन क्या हो सकते हैं? दो तरह के एसिड होते हैं हम लोग जानते हैं, एक को हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं,
हाइड्रा एसिड, दूसरे को ऑक्सी एसिड बोलते हैं, वी नो इट इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में, हाइड्रा एसिड और दूसरे को हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ऑक्सी एसिड के सफिक्स में एक या अस होता है, सब लोग जानते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सी एसिड में OH करके एसिडिक हाइड्रोजन रहती है। हाइड्रा एसिड में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रा एसिड HCl HBr, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से तो जुड़े हुए होते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनका जो सफिक्स होता है, इनके एनायन का जो सफिक्स होता है वो आइड होता है, और इनके जो एनायन का सफिक्स होता है वो एट और आइट होता है। तो ऑक्सो एसिड के ऑक्सो एनायन, हाइड्रा एसिड के हाइड्रा एनायन, जैसे Cl नेगेटिव क्लोराइड, F नेगेटिव ब्रोमाइड, एजोइक एसिड N3-1 एजाइड, लाइक दिस। तो यहाँ पे सफिक्स लगता है आइट, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अनुसार। और जो ऑक्सी एसिड के जो ऑक्सो एनायन होते हैं, जो सोल्ट होते हैं, उनमें सफिक्स लगता है, एक एसिड है तो एट और अस एसिड है तो आइट। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की सबसे फंडामेंटल और पहली चीज ये होती है। बाकी ऑक्सी एसिड के बारे में और भी हम लोग बात करते हैं। हाइड्रा एसिड तो कब हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, कब HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस है। HCl गैसीय स्टेट में है तो IUPAC नोमेनक्लेचर बोलता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दो, लेकिन जब ये एक्वस सॉल्यूशन में एसिड के रूप में, अरहेनियस एसिड के रूप में काम कर रहा है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो। तो दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स। तो बच्चों हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों हमारे हो गए। जैसे H2S है वो भी हाइड्रा एसिड है, तो S-2 उसका सल्फाइड बोला जाएगा, लाइक दिस। तो दो तरह के हैं हमारे, एक को कंपाउंड कंपाइंड की फॉर्म में बाइनरी उसमें डिवाइड कर देते हैं, बाइनरी और। बाइनरी और मतलब जनरली हाइड्रा एसिड के एनायन के सोल्ट होते हैं, मेटल्स, मेटल्स के हाइड्रा एसिड के सोल्ट्स, मेटल एंड हाइड्रा एसिड का। जैसे किसी मेटल का क्लोराइड हो गया, किसी मेटल का सल्फाइड हो गया, लाइक दिस। अब अगर हम बात करें तो दूसरा हम लोग बात करते हैं टर्नरी ओर। टर्नरी ओर, टर्नरी ओर ये क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड के सोल्ट होते हैं, ऑक्सो एनायन इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें ये आपको मिलेंगी हाइड्राओन्स बोलो, या फिर हम बोलेंगे हाइड्रा एसिड के एनायन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हाइड्रा एनायन, हाइड्रा एसिड के, ऑक्सी एसिड के एनायन, ऑक्सो एनायन या ऑक्सी एनायन। इसके हम अगर मेनली देखें जो बाइनरी होंगे, जिसमें बाइनरी मतलब जिसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, टर्नरी मतलब जिसमें तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, जनरली हम ओर्स को ऐसे, वैसे टर्नरी तीन एलिमेंट से ज्यादा भी हो सकते हैं होने में, मोस्ट ऑफ ओर्स कैन बी डिवाइडेड लाइक दिस, पर कंबाइंड ओर के तो सभी केसेस हो जाएंगे, टर्नरी के अलावा भी हो सकती है, पर जनरली क्या मिलने वाली है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पर मैं फर्दर जो ओर मिलती है, कुछ ओर ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, जैसे क्यूप्राइड हो गया, CU2O है ना, कुछ ओर सल्फाइड ओर हो सकती है, गैलेना है ना, सल्फाइड ओर जिसमें सल्फाइड होगा S-2, जैसे AgCl होगी वो भी ओर है उसकी, Ag की, तो हैलाइड ओर्स, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड ओर, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, ये हो गए, राइट। बहुत सारे एग्जांपल हम इनके देखेंगे। टर्नरी ओर क्या क्या होगी आपकी, इसमें आपको सिलिकेट्स मिलेंगे बहुत सारे, और टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स आप लोग पढ़ चुके हो, सिलिकेट्स, सल्फेट्स आपको मिल जाएंगे, इप्सम जिप्सम सब सल्फेट ही है और क्या है, कार्बोनेट आपको मिल जाएगा, वी विल सी, कार्बोनिक एसिड का ऑक्सो एनायन है कार्बोनेट, एंड फोस्फेट आपको मिल जाएगा, सोल्ट में लिख देता हूं, फोस्फेट हो गया कार्बोनेट की फॉर्म में,
सल्फेट की फॉर्म में और मिलेंगे, सिलिकेट्स की फॉर्म में, बहुत सारे सिलिकेट होते हैं। मैं एक लिख रहा हूँ सिंपल सिलिकेट, है ना, फायरोसिलिकेट जो होता है, बहुत सारे सिलिकेट होते हैं, वैसे चेन सिलिकेट, बहुत सारे मेनी टाइप ऑफ सिलिकेट्स भी हैं स्प्रेडेड। तो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और भी रहती हैं आपकी, नाइट्रेट और सार ऑल्सो देयर। तो ये सब कॉमन टाइप ऑफ ओर है जो टर्नरी ओर के एग्जाम्पल हैं। बाकी तीन से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो हम लोग बात करेंगे, क्वार्टरनरी पेंटरनरी और भी आपकी मिल सकती है। तो ये कंपाउंड की फॉर्म में है और ये एलिमेंटल की फॉर्म में है। एलिमेंटल फॉर्म में तो लिमिटेड नंबर ऑफ ओर्स है आपकी। सर यस सर एक बार बाइनरी और टर्नरी और बता दो दोबारा। बाइनरी मतलब जिसमें दो एलिमेंट है, जैसे पीबीएस बाइनरी हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं CaSO4, ये एनहाइड्राइड होती है, ये टर्नरी होगी, तीन एलिमेंट है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन वगैरह तो साथ साथ हो ही सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें इम्प्यूरिटीज लाइक क्ले वगैरह ये तो रहेंगी रहेंगी, जिसको कहेंगे पार्टिकल होते हैं, क्ले सैंड सिलिशियस पार्टिकल्स। नेटिव फॉर्म में मिलती हैं ये, नेटिव और नेटिव फॉर्म में मतलब एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं, ये तो बहुत लिमिटेड, ठीक है। कुछ मैं एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर मैं कॉमन एग्जाम्पल लिखूंगा। कुछ एग्जाम्पल मैं इसलिए रिपीट भी करूंगा ओर्स को, क्योंकि ओर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। जिन पे मैं टिक करूंगा वो ओर्स के नाम आपको पक्का याद होने चाहिए। मैं तो ज्यादा ही ओर्स लिखूंगा बाई चांस कोई पूछे तो, क्योंकि ये ओर्स के नाम नीट में भी, इवन जे एडवांस में भी, मैट्रिक्स मैच में पूरे ओर्स के नाम याद करने के बोले, इनऑर्गेनिक है, यहाँ वी हैव टू कीप इन माइंड। तो जैसे मैं कुछ ऑक्साइड ओर्स के एग्जाम्पल लूं, जिसमें ऑक्सीडाइज स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है सारे कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड ओर्स मतलब ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, इसमें मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता, हायर में होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, चाहे वो कोई भी कंबाइंड ओर में हो, सब में ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है आपका। कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, हैलाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, एनीवे मैं कुछ ऑक्साइड ओर्स के एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे आप लोग जो जानते हो और बहुत कॉमनली पूछी भी जाती है, सब लोग जानते हैं इसका नाम क्या होता है और इसका नाम, दोनों तो लगातार आप मेटलर्जी ऑफ आयरन पढ़ चुके, आयरन की ओर है, बताओ जल्दी से, आप अच्छे लोगों को पता है, हेमेटाइट, बताओ जल्दी से, मैग्नेटाइट, बड़ी फेमस ओर है, ठीक है। आयरन की जब मैं ओर अलग से लिखूंगा, पूछा जाता है विच ऑफ फॉलोइंग आर ओर्स ऑफ आयरन, ये फॉर्मूला थोड़ी देंगे Fe2O3, हेमेटाइट नाम लिखेंगे, मैग्नेटाइट, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फिर, है ना। ये तो है ये, इसके साथ अर्थी इंप्यूरिटीज और होती हैं, गैंग पार्टिकल और होते हैं इनके साथ। बहुत ही फेमस है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम की ओर, ये भी आप 9th-10th की मेटलर्जी में पढ़ चुके हो। बताओ बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये है आपका, या बॉक्साइड को हम AlOH एंड हम H2O करके 3-2X भी लिख, OH करके 3-2X करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है बॉक्साइड। यहाँ पे X की वैल्यू हाफ पुट कर दें, यहाँ X की वैल्यू होती है बॉक्साइड में, नेचर में अलग अलग तरीके से बॉक्साइड अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलता है। X की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलती है, X की वैल्यू हाफ पुट कर दें तो ये फॉर्मूला, इसमें जो बॉक्साइड का जनरली आप फॉर्मूला देखोगे उसके फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। मैं तीन एक साथ लिख रहा हूं, देखो एल्यूमिनियम की ओर है Al2O3, चार एक साथ लिख देता हूं, Al2O3 1H2 लिखो या फिर 1 मत लिखो, Al2O3 2H2O एक साथ याद करने में आसान होगा, Al2O3 3H2 इजी टू कीप इन माइंड। ये आपको होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस चुके हैं, एक चीज होती है कार्बोरेंडम, ये कार्बोरेंडम होता है और ये होता है कोरेंडम। आपके कोरेंडम Al2O3 किसका हिस्सा होता है, जो प्रीशियस स्टोन्स आपको मिलते हैं, रूबी, सफायर, एमराल्ड, इन सब में Al2O3 प्रेजेंट होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है,
ER. ALD. EE है ना, Emerald, Sapphire, Ruby, ये सब precious stones होते हैं जिसमें Al2O3. इस और को जो मोनोहाइड्रेट है उसका और का नाम होता है डायस्पोर। इसका तो बहुत ही मोस्ट फेमस और ऑफ एल्यूमिनियम जिससे कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बॉक्साइट है, सब लोग पढ़ चुके हैं। कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली ये सबसे फेवरेबल है आपका। गिब्साइट, ये सब एल्यूमिनियम की ओर है। ऑल ऑफ दीज आर ऑक्साइड्स, ऑल ऑफ दीज आर ऑक्साइड ओर्स, बड़ी फेमस ऑक्साइड ओर्स में जिनका नाम आता है वो मैं लिख रहा हूं। एक टिन की होती है कैसेट्राइट, बड़ी फेमस ओर है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कैसेट्राइट क्या है, किसकी ओर है। सर एक बार लास्ट वाला पेज रीओपन करना। Done? Yes, sir. ये बड़ी फेमस ओर है, इसको मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो आपने पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं उससे, ये तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वोल्फ्रामाइट बोलते हैं वो मैग्नेट से पास चली जाती है और अलग हो जाता है, गैंग पार्टिकल अलग हो जाते हैं और अलग हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इसके लिए यूज करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, आगे हम देखेंगे, ये रिवाइज हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दी आप लोगों के साथ। कैसेट्राइट, कैसेट्राइट एक फेमस ओर है, ठीक है। इसमें इंप्योरिटीज क्या होती है वो मैग्नेटिक होती है वो हम बात करेंगे। क्यूपराइट भी कॉपर की ओर होती है और जिंक साइट भी जिंक की ओर होती है, ये भी ऑक्साइड ओर होती है। जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्राइट हो गई, जिंक ऑक्साइड जिंक साइट हो गई, और ये भी लेड की एक ओर है जिसको हम बोलते हैं लिथार्ज। लिथार्ज ये कुछ ऑक्साइड ओर है। इन सबको मैं दोबारा से जब मेटल के हिसाब से लिखूंगा तो दोबारा से फिर से इनको हम लोग यूज करेंगे। अभी तो मैं टाइप्स ऑफ ओर के हिसाब से लिख रहा हूँ और दो बार मैं बहुत सारे को इसलिए भी रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए और फायदा रहे, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हर एग्जामिनेशन पूछी जाती है ओर्स के नाम, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिंक साइड बोलते ही ZnO, धार बोलते ही PbO, क्यूप्राइट बोलते ही Cu2O, कैसेट्राइट तो फेमस है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट बड़ी फेमस है, ये तो बहुत ही फेमस है जो जिन पे मैंने टिक लगाया है, ये तो पूछो ही मत, बड़ी गजब की है। कुछ एग्जांपल मैं कार्बोनेट ओर्स कंबाइंड ओर्स में से कार्बोनेट ओर के मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जो बड़ी फेमस है, बहुत ही फेमस, जो एक ये बहुत बार पूछी जाती है, कैलेमाइन। कैलेमाइन जिंक की ओर होती है, जिंक कार्बोनेट, इसके साथ इंप्यूरिटीज तो होंगी ही, अर्धी सिलिशियस गैंग पार्टिकल्स तो होंगे। कैलेमाइन इज कॉमनली आस्क इन ऑब्जेक्टिव, आप देखोगे इसको, और डोलोमाइट भी काफी फेमस है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल दोनों का ओर है, ये दोनों का मिनरल है। और कैल्साइट क्या होता है, कैल्साइट आपका सिर्फ CaCl3 होता है, और डोलोमाइट एंड कैलेमाइन तो बड़ी फेमस है। कैल्साइट सिर्फ कैल्शियम का कार्बोनेट होता है और डोलोमाइट डबल कार्बोनेट होता है, दिस इज डबल सोल्ट डबल कार्बोनेट है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का कार्बोनेट होता है इसमें। कैल्साइट मिनरल की फॉर्म में, इसको चौक भी बोल देते हैं, लाइमस्टोन भी बोल देते हैं, सब मिनरल के ही नाम है ये सब, तो सब में यही कंपाउंड रहता है, इन सब मिनरल में यही होता है CaCl3। एक बड़ा फेमस है मैग्नेसाइट,
मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। अब मैं दो में दो वर्ड में आपको कंफ्यूजन होगा, एक मैग्नेसाइट पढ़ा, एक आपने मैग्नेटाइट पढ़ा, साइट एंड टाइट, टी आई टी ई एंड एस आई टी। Fe3O4 मैग्नेटाइट था, हेमेटाइट मैग्नेटाइट आयरन का ओर, और ये मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का ओर है। तो मैग्नेसाइट कैल्साइट एंड डोलोमाइट तीनों ये कार्बोनेट है और कैल्शियम मैग्नीशियम के हैं, तीनों मिलते जुलते हैं। That's why we have written it at one place. बहुत फेमस है, काफी काम आते रहते हैं, जिन पे टिक कर रहा हूं वो तो काफी फेमस है। और भी थोड़ा कम फेमस जैसे PbCO3 भी कभी कभी यू कैन एनकाउंटर विद। ये साइड्राइट जरूर याद रखना, साइड्राइट जरूर याद रखना, ये कार्बोनेट और दिस इज योर लेड की, लेड की ये सिरुसाइट है आपका, CERRU। इवन एक ट्रोना करके भी हम लोग पढ़ते हैं, एस ब्लॉक में भी ये और काम आ जाती है, सोडियम की और है ये, जिसमें सोडियम का कार्बोनेट भी है और सोडियम का बाइकार्बोनेट भी है, हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो जिन पर मैंने टिक किया है वो ध्यान रखना, ये बड़ी फेमस कार्बोनेट ओर्स हैं। मैं कुछ फेमस और कम फेमस सल्फेट ओर्स की अगर मैं बात करूं, सल्फेट ओर्स जिप्सम इप्सम तो आपने खूब सुने हैं, सल्फेट ओर्स वो तो बहुत फेमस ओर हैं। जिप्सम आप जानते हो, नहीं बता रहा मैं, पर इप्सम काफी बार पूछा जाता है, ये इप्सम सोल्ट बोलो या फिर और को इप्सोमाइट बोलते हैं। सर एक बार पीछे वाला पेज ओपन करना, नॉट इट, ठीक है सर। देखो सल्फेट इप्सम और इप्सोमाइट क्या होती है, इप्सम और इप्सोमाइट मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, बहुत काम आता है, मैग्नीशियम का है और सल्फेट और है, इप्सोमाइट और इप्सम दोनों बोला जाता है। करेक्ट वे टू प्रोनाउंस इज इप्सम, पर इप्सम बोलते हैं बस। एक तीन आप जानते हो, तीन बताओ, ये आप 9-10 से जानते हो, इसका नाम या इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, और इसका नाम, तीनों मिलते जुलते हैं। इसका नाम क्या है बताओगे कोई? जिप्सम। इसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम क्या है? ये भी डेड बर्न्ड प्लास्टर। वेरी गुड। और मिनरल की फॉर्म में इसका नाम है एनहाइड्राइड। हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो पहले इससे ये बनता है, फिर इससे ये बनता है एनहाइड्राइड। मिनरल की फॉर्म में इसका नाम एनहाइड्राइड है, तो इसकी होगी अर्थ में मिलेगा, लेकिन वैसे जब जिप्सम को हीट करते हैं तो उसको डेड बर्न्ड प्लास्टर, क्योंकि काफी हीटिंग के बाद मिलता है। एनहाइड्राइड इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, तीनों एक साथ लिखो के तो याद हो जाएंगी, एनहाइड्राइड एप्सम दोनों काफी फेमस है। और एक लेड का सल्फेट भी होता है एंगलसाइट इज दिस, तो कभी कभी काम आ जाता है पर वेरी लेस चांसेस। कुछ सल्फेट ओर्स के एग्जाम्पल थे, मैं कुछ फॉस्फेट ओर्स के एग्जांपल अगर लूं, फॉस्फेट ओर्स, फॉस्फेट ओर्स कोई खास फेमस नहीं है, बहुत कम मिलेंगे। फॉस्फेट ओर्स में
CA3PO4 twice, ये आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोला जाता है। और मैं इसमें थोड़ा सा CaCl हाइड्रोक्साइड की जगह क्लोराइड कर दूं मैं, बस इतना ही फर्क कर दूं, तो नाम में भी उतना ही फर्क आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोक्सी है OH, इसमें क्लोरीन है, इसको भी हम एपेटाइट बोलेंगे, लेकिन क्लोर एपेटाइट बोलेंगे। सर आपकी आवाज गूंज रही है, दो दो बार आ रही है। सरदा का अनम्यूट है और मीनू का, इसलिए डिस्टर्बेंस आ रहा है। नाउ इट्स फाइन, यस सर। हाँ, वो प्रॉब्लम एक्चुअली अनम्यूट की थी। टॉर्क नॉइज ये कोई काम नहीं आएगा, एल्यूमिनियम और पोटासियम, एल्यूमिनियम का और होता है पर कोई काम का नहीं है, कॉमर्शियल ज्यादा यूज नहीं होता है। बट इन दोनों का कंपैरिजन आप जरूर रखना, ये दोनों कैल्शियम के ओर्स हैं और कभी कभी काम आ जाते हैं एस ब्लॉक में। इनफैक्ट कैल्शियम की मेटलर्जी तो हमें पढ़नी नहीं है। कुछ सिलिकेट ओर्स देख लेते हैं, एक दो सिलिकेट ओर्स। एक टोक करके होती है Mg3, और इसमें कौन सा सिलिकेट होता है, Si4O10, जो डबल चेन सिलिकेट होता है आपका, NOH2S। मैं टिक नहीं कर रहा हूं इनके ऊपर, जस्ट नजर मार लेना, Na3Al, धीरे धीरे याद हो जाएंगी जस्ट लाइक मी। ये हो गया आपका, कुछ सिलिकेट्स और हैं। और सल्फर वाली जो और होती है, सल्फाइड वाली, ये तो काफी काम आती है हमें। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की प्रोसेस होती है, सर एक बार मतलब पिछला वाला प्लीज करना सर। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है, तो सल्फाइड ओर काम की है। डन सर, आपको लिखवाने वाला हूं सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के कुछ एग्जांपल, जैसे पूछेंगे आपको क्वेश्चन में गैलेना क्या है, बाइनरी है, दो एलिमेंट एक सल्फर एक लेड। जिंक ब्लेंड ये पढ़ चुके हैं हम सॉलिड स्टेट में, जिंक ब्लेंड और स्फेलेराइट। जिंक ब्लेंड दो फॉर्म में रहता है, एक वुडजाइट और दूसरा स्फेलेराइट। जिंक सल्फाइड दो फॉर्म में रहता है, जिंक ब्लेंड और स्फेलेराइट क्यूबिक अरेंजमेंट में और वुडजाइट हेक्सागोनल अरेंजमेंट में, या पढ़ चुके हो लड़ी, ये जिंक का है। और HgS इज सिनेबार, Ag2S और भी आपको काम आएगी, इसकी सिल्वर की मेटलर्जी में हम यूज भी करेंगे। अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट या इसको हम सिल्वर ग्लांस भी बोलते हैं, ये काम की है। सिल्वर की मेटलर्जी में हम यूज करेंगे, लेड की मेटलर्जी में PbS यूज होगी, ये ज्यादा काम की है। जिंक ब्लेंड तो आपको वैसे याद है, HgS भी आपको काम आ जाएगी, पूछेंगे चाहे मेटलर्जी नहीं देखेंगे हम उससे, सिनेबार से डेफिनेटली, लेकिन H और जरूर पूछ सकते हैं। ये कुछ फेमस सल्फाइड ओर थी जो काफी काम आती है आपको। मैं कुछ हैलाइड ओर, ऑक्साइड ओर में पहले एग्जांपल ले चुका हूं, जैसे सोडियम की एक होती है रॉक सोल्ट, इस ओर को हम रॉक सोल्ट बोल देते हैं, इस जानते हैं हम लोग ऑलरेडी। केसीएल
पोटासियम की है सेल्विन, AgCl सिल्वर की है, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं होन सिल्वर। एक काम के लिख रहा हूं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डबल सोल्ट के रूप में इसका एग्जांपल लिया था, इसका एग्जांपल मैंने लिया था पोटासियम और मैग्नीशियम दोनों का, ये ओर है, इसका नाम कोई बताएगा? काम की चीज है कार्नलाइट, काम की चीज है, ये पूछा जाएगा आपको। रॉक सोल्ट और होन सिल्वर ये तो ध्यान है आपको, ये तो वैसे ही दो नाम थे अगर आपको ध्यान हो तो, ये भी मैंने आपको क्लास में बताए हुए हैं ऑलरेडी, इनमें कंफ्यूजन रहता है। एक फ्लोरस पर था, एक फेल्स पर था, ये भी मैंने सॉलिड स्टेट के डिस्कशन के टाइम पे आपको बताया था। दोनों नाम में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं दोनों नाम एक साथ लिख रहा हूं, हालांकि दोनों आपके हैलाइड ओर्स नहीं है, सिर्फ फ्लोरस पर है। आपने फ्लोराइड मिनरल पढ़ा था, फ्लोरोस्पोर और फ्लोराइड मिनरल एक ही है, जिसमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा था, कैल्शियम आयन FCC बना रहे थे, फ्लोराइड आयन 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे थे, होप यू रिमेम्बर। फ्लोराइड मिनरल या फिर फ्लोरोस्पोर मिनरल इसको हम लोग बोलते हैं, और फेल्स्पोर इसमें डी होता भी है इसकी स्पेलिंग में, नहीं भी होता, दोनों स्पेलिंग यूज की जाती है, फेल्स्पोर में डी होता भी है और नहीं भी होता, बोथ स्पेलिंग्स आर बीइंग यूज्ड। फेल्स्पोर K2O पोटासियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, पोटासियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है ये, पोटासियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है इसको, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं, पोटासियम एल्यूमिनियम Si3O8 सोडियम एल्यूमिनियम Si3O8 CaAl2Si2O8 ऐसे भी इसमें कैल्शियम, बट दिस वे इट इज रिटन मेनली, इसको आप कैल्शियम इसमें प्रेजेंट होता है बट उसको मेंशन नहीं करते हैं। तो दिस इज द वे आपको पोटासियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या टेक्टो सिलिकेट करके इसको हम बोलते हैं, दैट इज फेल्स्पोर, और डी इसकी स्पेलिंग में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, स्पेलिंग आपको ऐसे भी बहुत बार मिलती है। इन दोनों में जरा कंफ्यूज मत होना, पोटासियम एल्यूमिनियम सिलिकेट करके भी आपको लिखा हुआ होगा, फेल्स्पोर क्या है, किसका मिनरल है, एल्यूमिनियम का है, पोटासियम दो मेटल का है, और फ्लोरोस्पोर क्या है, कैल्शियम का है। तो दिस इज फ्लोरोस्पोर और फेल्स्पोर दोनों में कंफ्यूजन है, ये जरा ध्यान रखना, और ये दोनों पूछे भी जाते हैं आप। डन। अब मैं, ये तो मैंने टाइप्स ऑफ ओर के हिसाब से कुछ ओर के एग्जाम्पल लिखे, अभी मैं सम इंपॉर्टेंट ओर्स मेटल के हिसाब से लिखूंगा, और डायरेक्टली मेटल के हिसाब से ओर पूछे जाते हैं, सम इंपॉर्टेंट ओर्स। लेट अस टेक ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू विद द सेम, फिर उसके बाद ये ओर लिखने के बाद 10-15 मिनट में, उसके बाद हमारा एक प्रॉपर जो चैप्टर है मेटलर्जी है, इन ओर की प्रोसेसिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, कि कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है जिनसे, और पर्टिकुलर ब्रॉडली क्लासिफाइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर सबसे पहली प्रोसेस, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद रिडक्शन ऑफ ओर, उसके बाद अगर हम बात करें जो प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, और उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ ओर, ये प्रोसेस है। अब रिफाइनिंग के कौन कौन से तरीके हमें पढ़ने होते हैं अलग अलग ओर के लिए, प्योरिफिकेशन के कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड्स है प्योरिफिकेशन के, इंडस्ट्रियल मेथड,
रिडक्शन के कौन कौन से हैं, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल क्रूड मेटल फ्रॉम ओर, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उसको हम लोग रिडक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि कंबाइंड ओर की फॉर्म में होगा तो उसको रिड्यूस करेंगे तभी वो मेटल की फॉर्म में और क्रूड मेटल की फॉर्म में हमें मिल सकता है, इसमें ड्रॉस रहेगा। और पहले ओर तो पत्थर की फॉर्म में मिलती है आप लोगों को, सॉलिड होती है मोस्टली, तो उसको पहले क्रश करना पड़ेगा और क्रश करने के बाद उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, क्रशिंग करना और फर्दर ग्राउंडिंग ग्राइंडिंग करके फर्दर अल्टीमेटली पाउडर फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के कौन कौन से मेथड हम डिफरेंट ओर्स के लिए यूज करेंगे वो हम एक साथ पढ़ेंगे, रूम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल लेवल पे उस पर्टिकुलर मॉडल प्रोसेस का कौन सा पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता है, किस तरह की ओर के लिए यूज किया जाता है, ये सब चीजें हमें ऑब्जेक्टिव में काम आती रहेंगी। हमें किन किन की मेटलर्जी पढ़नी है वो हम देखेंगे, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी, सिल्वर की मेटलर्जी, गोल्ड की मेटलर्जी, कौन कौन से मेटल की मेटलर्जी हमें पढ़नी है, मेनली पहले हम उनकी पढ़ेंगे और उसके बाद हम उनकी भी पढ़ेंगे जो बाय चांस पूछे जा सकते हैं हमारे में क्वेश्चंस की फॉर्म में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, वी विल स्टार्ट, वी विल रेज्यूम द लेक्चर आफ्टर 10 मिनट्स, हैव ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। आप चाहे कनेक्ट रहें और टेक रेस्ट। सम इंपॉर्टेंट ओर्स, हम उन मेटल्स की ओर देखने वाले हैं अभी, जिन मेटल्स की ओर हमें जिन मेटल्स की मेटलर्जी हमें पढ़नी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की ओर्स एक तो मोस्ट फेमस है, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम में बॉक्साइट, बॉक्साइट बताओ जल्दी से, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? AlOx OS 3 minus 2X, where X varies from 0 to 1. अगर X की वैल्यू हाफ पुट कर दें तो यही आ जाएगा Al2O3.2H2O, और मेनली बॉक्साइट और इस तरह लिखी हुई आपको मिलेगी जब भी जरूरत पड़ेगी Al2O3.2H2O, ऐसा ही आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। केओलिनाइट भी और होती है एल्यूमिनियम की, AlOHSi2O5, काम की नहीं है ये, टिक लगा लो, नॉट मच यूजफुल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डन। बाकी मुझे आप जल्दी से बताना Al2O3 1H2O, Al2O3.2H2O, Al2O3.3H2O, जल्दी से मुझे नाम बताएं इनका, इन सब और का। फास्ट कोरेंडम, रूबी, सफायर, एमरोल्ड, सब इसका प्रीशियस स्टोन Al2O3 के होते हैं। रूबी, सफायर, एमरोल्ड के अगर मिनरल हम बोले तो वो भी एल्यूमिनियम के मिनरल है। बताओ क्या होता है ये? डाइस्पोर,
बॉक्साइट एक साथ आप लोगों को याद होना चाहिए. बताओ इसका क्या नाम था? टेल मी. गिब्साइट. सब एक साथ आप आसानी से ध्यान रख सकते हो. वेरी इजीली. सर एक बार पहले वाला पेज दिखाना. एक बार मेरे को वो जल्दी से बता दो मुझे. बताओ इसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है? फेल्सफर और फेल्सफर. फेल्सफर. सर किसी का माइक ऑन है. कैल्शियम फ्लोराइड. ठीक है. एक बेरिल होता है वो एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों का होता है जिनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है. बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप इज विद एल्यूमिनियम दोनों का और होता है. एस ब्लॉक का बेरिलियम भी यहाँ पर आ गया और पी ब्लॉक का एल्यूमिनियम भी यहाँ पर आ गया. ये एक सिलिकेट है. This is one silicate beryl, beryllium Be, beryllium Be, beryllium aluminium जिनका diagonal relationship होता है दोनों का silicate है. Note it down fast. हम bauxite से aluminium की metallurgy पढ़ते हैं. We study the metallurgy of aluminium from bauxite ore that you have studied in 9th 10th standard as well. 9th में होती है. ठीक है. पर पूछे सब जाएंगे मिनरल की फॉर्म में. बॉक्साइट, गिप्साइट, डायस्पोर, कोरेंडम, ये चारों एक साथ आप लोग याद रख सकते हो. फेल्सफर भी आपको काम आएगा. ये सारे आपको काम आएंगे. राइट. अब हम दूसरी कॉमन मेटलर्जी जो हमें पढ़नी है वो आयरन की पढ़नी है. आयरन के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो सारे के सारे मोस्टली ऑक्साइड मिनरल्स ही हैं जैसा कि आप जानते हैं. मुझे जल्दी से बताओ हेमेटाइट मिनरल का फॉर्मूला बताओ जरा. Fe2O3.2. ये आपको 9th 10th से याद होंगे क्योंकि आयरन की मेटलर्जी भी आप लोग पढ़ चुके हैं. एल्युमिनियम दोनों की मेटलर्जी आप पढ़ चुके हो जब आप छोटे बच्चे थे. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट भी होता है इसका कार्बोनेट. और एक लेमोनाइट. आयरन पाइराइट. यस प्लीज. सर एक लेमोनाइट भी तो होता है इसका. हाँ 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 वो भी लिख लेते हैं. लेमोनाइट. ये सब पूछे जाते हैं. सब पूछे जाएंगे आपको. सारे इंपॉर्टेंट है. सब एग्जाम में आएंगे. बताओ जरा पहले हम फॉर्मूला से नाम पे जा रहे थे. अब नाम से फॉर्मूला पे जा रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें रिवाइज भी हो रही है. बताओ हेमेटाइट फॉर्मूला बोलो जल्दी से. Fe2O3 रहेगा. आयरन इस कंपाउंड की फॉर्म में रहेगा पर इसके साथ साथ इंप्योरिटी तो होंगी होंगी. वो तो है ही है जब नाम ही हो गया और मिनरल. Fe3O4 को मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ऑक्साइड मैग्नेटाइट को. अच्छा मैग्नेटाइट और मैग्नेसाइट में क्या फर्क है बताओ जरा. मैग्नेटाइट और मैग्नेसाइट में क्या फर्क है? मैग्नेटाइट तो MgCO3 है. हाँ मैग्नीशियम का कार्बोनेट मैग्नेसाइट और मैग्नेटाइट Fe3O4. ठीक है. ये दोनों जस्ट आप एक साथ. साइड्राइट आयरन का कार्बोनेट होता है. कार्बोनेट और होता है साइड्राइट. आयरन पाइराइट बड़ा फेमस है. आयरन पाइराइट इज FeS2. एक होता है कॉपर पाइराइट. वो होता है CuFeS2. ये होता है कॉपर पाइराइट.
आयरन पाइराइट और कॉपर पाइराइट दोनों एक साथ देखो, कॉपर पाइराइट या इसको हम CHAL चैल्कोपाइराइट भी बोलते हैं, सी फॉर कॉपर, सी फॉर चैल्को, सी फॉर कॉपर, दिस वे यू कैन रिमेंबर इट. CuFeS2 कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट सिर्फ Fe2, इस पर पहले कॉपर और चिपका दो तो कॉपर पाइराइट बन जाता है आयरन पाइराइट से. लिमोनाइट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताओ लिमोनाइट और हेमेटाइट थोड़ा सा फर्क होता है. Fe2O3.3H2O. हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, आयरन पाइराइट, आइट, 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 आइट. हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में Fe2O3, Fe3O4 और हेमेटाइट और लिमोनाइट .3H2O का फर्क होता है. लिमोनाइट, मैग्नेटाइट ये सब पूछे जाते हैं, सब काम के और है. कॉपर का और है कॉपर पाइराइट, चैल्कोपाइराइट, सी से स्टार्ट होते हैं दोनों की स्पेलिंग और फॉर्मूला भी CuFeS2 का सी से स्टार्ट होता है. आयरन पाइराइट Fe2, कॉपर पाइराइट और चैल्कोपाइराइट है CuFeS2. थोड़ा सा फर्क है, दोनों को एक साथ लिख के कंपेयर करें ताकि याद हो. दीज आर फेमस ओर ऑफ आयरन, आयरन के सारे ओर पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चंस में. आयरन की मेटलर्जी भी हम लोगों को पढ़नी होती है अपने सिलेबस में. कॉपर के कौन कौन से ओर्स हैं, सबसे पहले तो कॉपर पाइराइट या फिर चैल्को पाइराइट, ये हो गया CuFeS. एन आयरन पाइराइट इज Cu, हटा दो इसके फॉर्मूला से, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है. मेलाचाइट क्यूप्राइट आप लोग पढ़ चुके हो, बताओ मेलाचाइट तो नहीं पढ़ा है. कॉपर ग्लांस आप लोग पढ़ चुके हो, बताओ ये तो काफी फेमस है सारे. मेलाचाइट भी आपको पूछा जाएगा, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है. ऐसे भी और कभी कभी ऑप्शन में ऐसे लिख के भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना. ये बेस है, ये कॉपर कार्बोनेट है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज मेलाचाइट. ऐसे भी बोल देते हैं विच ऑफ फॉलोइंग और इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो मेलाचाइट पे टिक कर देना. फॉर्मूला नहीं दिया हुआ होगा, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए मेलाचाइट. क्यूप्राइट हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्साइड और था जिंक, जिंकसाइड एंड क्यूप्राइट आर ZnO एंड CO2. कॉपर ग्लांस और क्यूप्राइट में ऑक्साइड और सल्फाइड का फर्क होता है, ये चैल्कोसाइट है और ये चैल्कोपाइराइट है. CuFeS2 इज चैल्कोपाइराइट, Cu2S इज चैल्कोसाइट. थोड़ा सा फर्क है, कॉपर ग्लांस को चैल्कोसाइट भी बोलते हैं इस मिनरल को. अब मेलाचाइट और एजुराइट मैं थोड़ा सा फर्क कर देता हूं. CuCO3
के दो मोल और COH2 के एक मोल. मेलाचाइट में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड 1:1 स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो में थे, लेकिन इसमें दो मोल कॉपर कार्बोनेट के एक कॉपर हाइड्रोक्साइड है. इसको हम बोलते हैं एजुराइट. इसको हम बोलते हैं एजुराइट. दोनों को एक साथ लिखें, याद आसानी से होगा. मेलाचाइट एंड एजुराइट दोनों कॉपर के, मेलाचाइट एंड एजुराइट दोनों कॉपर के ओर्स हैं. थोड़ा सा फर्क है, बेसिक जो कंपाउंड है वो भी सेम है. डन. अब कोई काम नहीं आएंगे. चलकेंथाइट ये वही होता है, ब्लू विट्रोल वाला ही होता है. इसमें पन और का नाम है, मिनरल का नाम है. केमाइट एटाकेमाइट एक CU के साथ OH twice है, दूसरे CL के साथ, CU के साथ OH और CL एक एक है. इस वे पर कंबाइन करके फॉर्मूला हम ऐसे लिख देते हैं. नॉट ऑफ यूज एट ऑल, कभी नहीं मिलेंगे, काम के नहीं है. देन फोर्थ हम लोग जिंक की बात कर लेते हैं. बताओ कैलामाइन का क्या था, जिंक साइट क्या था, पढ़ चुके हो. कैलामाइन क्या था, कैलामाइन पूछा जाता है. आपको पूछेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर, विच ऑफ फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर, विच ऑफ फॉलोइंग इज सल्फेट ओर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. विच ऑफ फॉलोइंग इज ओर ऑफ जिंक, विच ऑफ फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन. तो मेटल के हिसाब से भी आपको सोचना आना चाहिए और एनायन के हिसाब से भी आपको सोचना आना चाहिए. इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिखा भी और उसमें जितने पूछे जा सकते हैं सब कवर भी 100% उसमें हो जाएंगे. ZnS पढ़ चुके हम, सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर. जिंक ब्लेंड और स्पेलराइट, इवन वुडजाइट भी यही होता है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट अलग होता है. ये भी मिनरल ही है और ही है जिंक का. ये तो पढ़ चुके हैं. क्यूपराइट एंड जिंकसाइट आर CU2O एंड ZnO ऑक्साइड. ये जिंक कार्बोनेट. साइड्राइट क्या होता है आपका, आयरन का कार्बोनेट. और जिंक कैलामाइन हो गया ये, जिंक का कार्बोनेट कैलामाइन. अच्छा कार्नेलाइट क्या था, कैलामाइन तो ये है जिंक का कार्बोनेट. कैलामाइन इज ओर ऑफ जिंक, कैलामाइन इज सल्फेट और कार्बोनेट और फॉस्फेट और नाइट्रेट और विच कार्बोनेट और फेमस, ऑल थ्री विल बी आस्क, काम आते रहेंगे. हम बात करते हैं लेड के ओर्स. सर पर बैक पेज करना. लेड के ओर्स सर हो गया. ओके ओर्स ऑफ लेड, मुझे आप फॉर्मूला बताना. मैं जो बता चुका हूं वो तो आपसे पूछूंगा, आप देखना उसके बहाने. यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एज वेल, अपनी नोटबुक में याद है, हो गया तो अच्छी बात है. चारों बता दो,
गैलेना क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंगलसाइट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेरुसाइट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिथार्ज भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, नीचे वाले तीन ज्यादा है, लिथार्ज बहुत कम पी भी हो। लिथार्ज तो है ऑक्साइड और ये है सल्फाइड, दोनों में इतना ही फर्क है। एंगल साइड बताओ, PbSO4। हाँ, सल्फेट और सेरुसाइट PbCO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट और ठीक है, बस इसी के लेड के यही काम आएंगे। गैलेना इज वेरी वेरी कॉमन एंड सेरुसाइट एंड एंगल साइट आर अगेन आस्क, चाहे उनसे मेटलर्जी आप लोग नहीं पढ़ने वाले पर और के नाम पे वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो भी पूछे जाएंगे सब आपके नोटबुक में है। फिर मैग्नीशियम की मेटलर्जी भी हमें पढ़नी होती है। एक बहुत ही फेमस जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आपको ही बताना है, मैं डबल सोल्ट और एडिशन कंपाउंड का एग्जांपल में भी इसको ले चुका हूं, कार्नेलाइट को। मैग्नीशियम के KCl MgCl2 6H2O, एक मैग्नेसाइट भी मैग्नीशियम का ही था, डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का था, और कैल्साइट सिर्फ कैल्शियम का था, कैल्साइट मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट एक साथ, कैल्साइट CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 का एडिशन कंपाउंड, एंड एक था एप्समाइट और एप्सम सोल्ट या एप्सम बोल दीजिए, काफी ये सब बहुत पूछे जाएंगे। बताओ कार्नेलाइट का नाम, डबल सोल्ट था ये एडिशन कंपाउंड, कैल्शियम का क्लोराइड, बोलो मैग्नीशियम का क्लोराइड, ये तो एस ब्लॉक के ही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिनरल है ये दोनों, एस ब्लॉक के मेटल है। MgCO3 मैग्नेसाइट इज MgCO3, कैल्साइट इज CaCO3, एंडोलोमाइट इज CaCO3 MgCO3, वेरी गुड। डोलोमाइट कभी कभी धोखा देता है, इतना फेमस है, इसको ना ऐसे करके भी लिख देंगे तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में ऐसे लिखते हैं इसलिए मैं भी ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपका देखा माना रहे। एप्सोमाइट और इप्सोमाइट व्हाटएवर यू कॉल इट, बताओ इप्सम इप्सम कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट, बट वो तो डाइहाइड्रेट होता है, ये हेप्टाहाइड्रेट होता है, ठीक है, सब काम आएंगे। ये भी कभी कभार काम आ सकता है। केसीएल कार्नेलाइट की तरह, लेकिन मैग्नीशियम तो है लेकिन मैग्नीशियम का क्लोराइड नहीं है कार्बोनाइट की कार्नेलाइट की तरह, मैग्नीशियम का सल्फेट है, कायनाइट में कार्नेलाइट की तरह कैल्शियम और पोटासियम और मैग्नीशियम ही है मेटल, लेकिन वहां पे दोनों के क्लोराइड थे, पोटासियम का क्लोराइड वहां पे, यहाँ पर मैग्नीशियम का सल्फेट, वहां पे मैग्नीशियम का क्लोराइड, वहां पे 6H2O और यहाँ पर 3H2O, दोनों में आप थोड़ा कंपेरिजन कर सकते हो, मेटल तो सेम ही है। यहाँ पे दो एनायन है, अभी तक आपने कोई ऐसा और देखा क्या जिसमें दो एनायन थे अभी तक जो पढ़ा? दो तरह के हाइड्रा एनायन या ऑक्सो एनायन हो ऐसा कोई देखा क्या आपने अभी तक पीछे के एग्जांपल में? देखो इट इज फर्स्ट मिनरल डिस्कवर्ड, Kainite is the first mineral discovered
which contains two anions, Cl negative and sulfate ion, which contains two anions. Cation तो दो हैं, dolomite में ही है calcium magnesium, पर anion तो एक ही है ना carbonate. Sir, repeat करना. First mineral discovered which contains two anions, bracket में को Cl negative and sulfate. Cl negative and sulfate. Cl negative and sulfate. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग केनाइट को पूछ लेते हैं, अदरवाइज केनाइट जनरली नहीं पूछा जाता है, कम काम आता है, बट ये खासियत है इसमें, ऑब्जेक्टिव में वो यूज कर लेते हैं. टिन की अगर हम बात करें तो आपने टिन का कोई और पढ़ा है क्या अभी तक? ऑक्साइड ओर्स में देखो कहीं पढ़ा था क्या? SNO2 का नाम क्या था? टिन का भी की ओर पढ़ा है वैसे आपने, वही काम आता है. क्या नाम था इसका ऑक्साइड ओर में पढ़ा था? कैसिडराइट. कैसिडराइट, वेरी गुड, काम आएगा. व्हाट हैपेंड? कैसिट्राइट, या इसको हम लोग टिन स्टोन के नाम से भी बोलते हैं, जैसे ब्लू विट्रियोल और ब्लू स्टोन के नाम से भी बोलते हैं, CuSO4.5H2O को. और चैल्केनथाइट के नाम से भी बोलते हैं. ठीक है, इसका वैसे एक मिनरल आपको काम आता है टिन का, कैसिट्राइट टिन. सिल्वर की भी मेटलर्जी पढ़नी है, पर सिल्वर तो आपको नोबल मेटल है तो नेटिव ओर की फॉर्म में मिल जाता है सिल्वर, तो एलिमेंटल फॉर्म में साथ में इंप्यूरिटीज मिलती हैं, तो कंपाउंड की फॉर्म की बजाय कुछ कम रिएक्टिव है तो ऐसे मिल जाता है डायरेक्टली. और सिल्वर ग्लांस या फिर अर्जेंटाइट, उससे हमें इसकी मेटलर्जी देखनी होती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मिनरल है, सिल्वर ग्लांस एंड अर्जेंटाइट, अर्जेंट ए आर मिस कर दिया, अर्जेंटाइट. ठीक है, अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास दोनों के नाम से काम आएगा आपको, ये फेमस है. सिल्वर की मेटलर्जी इसी से देखेंगे और नेटिव मेटल से देखेंगे. ये होता है सिल्वर का सल्फाइड. आपने कॉपर ग्लास भी पढ़ा था, सिल्वर ग्लास और कॉपर ग्लास के फॉर्मूला में डिफरेंस बताओ. कॉपर AgAu एक में ही है, तीनों की मेटलर्जी हमें पढ़नी होती है. सिल्वर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, Cu2S कॉपर ग्लांस, Ag2S सिल्वर ग्लांस, Cu2S Ag2S कॉपर ग्लांस सिल्वर ग्लांस. कॉपर ग्लांस को चेल्कोसाइट भी हम लोग बोलते थे, और चेल्कोपाइराइट वो तो कॉपर पाइराइट था, CuFeS. चेल्कोसाइट भी बोलते हैं जिस कॉपर ग्लांस को, ये सिल्वर ग्लांस है. जस्ट कंपेयर दिस वे. एक आप पढ़ चुके हो, बताओ हॉर्न सिल्वर भी सिल्वर का था लेकिन क्लोराइड सोल्ट था. हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, नहीं डिस्कस किया है हमने. दिस इज ठीक है,
कोई काम नहीं आएगा, मैं टिक नहीं लगा रहा हूं, इसके ऊपर तो टिक लगा लो। प्रोस्टाइट 83 है ये, दिस इज 3 प्रोस्टाइट। Then, HG का कोई मिनरल पढ़ा है क्या आपने? सर एक बार लास्ट वाला पेज HGS HGS क्या नाम था उसका? सिनावार 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 असिनावार ठीक है, this is cinnabar, got it? So these are important minerals, Hg और tin का तो एक एक बस, Hg का Hg cinnabar, tin का SnO2, इनके तो ये मिनरल ही आपको पूछे जाएंगे, बाकी सबके ज्यादा मिनरल पूछे जाएंगे। सिल्वर का सबसे फेमस अर्जेंटाइट ही है, सिल्वर ग्लांस, मुझे दो में डिफरेंस बताओ आप, मैग्नेसाइट एंड मैग्नेटाइट। मैग्नेसाइट तो MgCO3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 परफेक्ट। मुझे बताओ कॉपर ग्लांस एंड सिल्वर ग्लांस। Ag2s and Cu2s. सिल्वर ग्लांस का दूसरा नाम क्या होता है? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट के नाम से ज्यादा फेमस है, नाम आपको अर्जेंटाइट ही मिलेगा ऑप्शन में मोस्टली, ठीक है। गैलेना किसका ओर है? लेड। इनका लेड का लेड लेड पीबीएस। और लिथार्ज और गैलेना के कंपाउंड में क्या फर्क है? जो मिनरल ऑक्साइड है और दूसरा सल्फाइड है। अच्छा कैसिटराइट किसका और है, किस मेटल का? लेड टिन 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 का, टिन स्टोन और कैसिटराइट। कैलेमाइन वेरी फेमस, कैलेमाइन और जिंक, जिंक कार्बोनेट। कैलेमाइन एंड कार्नालाइट दोनों किस किस के ओर हैं? कैलेमाइन जिंक का और कार्नालाइट मैग्नीशियम। अच्छा मैग्नेसाइट कैल्साइट एंड डोलोमाइट। मैग्नीशियम और कैलेसाइट कैल्शियम कार्बोनेट ओर्स होते हैं, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का, कैल्साइट कैल्शियम का और डोलोमाइट दोनों का। क्या कर रही हूँ? अच्छा मेलाचाइट बताओ, मेलाचाइट मेलाचाइट किसका ओर है? कॉपर। किसका ओर है? कॉपर। कॉपर का बेसिक कार्बोनेट है मेलाचाइट। मेलाचाइट और एजुराइट में क्या फर्क था? उसमें तो है ना मेलाचाइट में तो CuCO3 CuOH होल ट्वाइस और एज्यूराइट में 2CuCO3 और CuOH होल CuOH। ओके सही। अच्छा लिमोनाइट किसका मिनरल था, क्या फॉर्मूला है लिमोनाइट का? लिमोनाइट आयरन का Fe2O3.3H2
Fe2O3.3H2. अच्छा कैलेमाइन इज कार्बोनेट ओर और सल्फेट और नाइट्रेट विच ओर कार्बोनेट ZnCO एंड कार्बोनेनाइट इज क्लोराइड सल्फेट फॉस्फेट सल्फाइड विच ओर क्लोराइड आयरन पाइराइट एंड चैल्कोपाइराइट व्हाट इज द डिफरेंस कॉपर Fe2N सेकंड इज अच्छा आयरन पाइराइट के ब्रैकेट में लिखे फूल्स गोल्ड फूल्स फूल FOOL फूल्स गोल्ड आयरन पाइराइट के ब्रैकेट में लिखे फूल्स गोल्ड ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी सर दोबारा बताना आयरन पाइराइट इधर FeS2 के इधर फूल्स गोल्ड फूल्स गोल्ड आयरन को सोना समझ रहे हैं आयरन पाइराइट फूल्स गोल्ड ठीक है ओके ये सब इंपॉर्टेंट थे बॉक्साइट का फॉर्मूला बताओ बॉक्साइट एंड गिप्साइट में क्या फर्क है Al2O3.2H2 दूसरा Al2O3.3H2 और गिप्साइट और लिमोनाइट के फॉर्मूला में कुछ सिमिलरिटी है क्या 3H2O डॉट 3H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिप्साइट एंड लिमोनाइट के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है क्या गिप्साइट एल्यूमिनियम और आयरन और ही अलग है बस इतना ही फर्क है गिप्साइट एंड लिमोनाइट में बाकी तो फॉर्मूला एक जैसा है सेंट्रल मेटल को चेंज कर दो बस एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न बॉक्साइट को AlOxNOH3-X3-2X लिखे तो X की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकती है ऑब्जेक्ट में पूछेंगे 0 से 1 फाइन बट कॉमनली Al2O3.2H2 लिखा हुआ मिलेगा X की वैल्यू हाफ के स्पेसिफिक ठीक है ओके फाइन तो दिस वे जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा आपसे रिवाइज भी करवाया इसका दैट्स ऑल जिप्सम और एप्सम के फॉर्मूला में क्या फर्क है मैग्नीशियम सल्फेट तो MgSO4 7H2O फाइन चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ये सब आपको याद होने चाहिए व्हाट आई मीन टू से और जिन पे टिक करवाए हैं वो जरूर जरूर याद होने चाहिए लास्ट में शायद मैंने टिक नहीं किया सिनाबार हाँ इधर तो कर दिया स्टेराइड कैसिट्राइट बाकी सब पे टिक है सर एक बार लेड में दिखाना किस किस पे टिक किया था और एल्यूमिनियम में बॉक्साइट से देखते हैं उसकी मेटलर्जी बाकी से देखते नहीं है दैट इज मोस्ट फेमस बताया भी था मैंने Yes. सब है और अब हम लोग दो पेज को इसका नेक्स्ट 20 pages ही होते हैं इसमें रब कर लेता हूं मैं इसको आपके नोट तो कर लिया अब हम कौन कौन सी मेटलर्जी में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ताकि अर्थ क्रस्ट से निकला हुआ एक ओर से फाइनली हम लोग मेटल आइसोलेट कर पाए और मेटल भी प्योर मेटल तो ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होती है मेटलर्जी करते टाइम पे
कौन कौन सी ये प्रोसेस होती है वो हम देखने वाले हैं। सर और देर तक क्लास ले लो, मजा आ रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये एक्चुअली 9th-10th में आपको थोड़ा पढ़ा हुआ है इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा आ रहा होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर ब्रॉडली क्लासिफाइंग, इसमें और हम निकालते हैं धरती की गोद से, उसको क्रश करते हैं, मोटे टुकड़े बन जाते हैं, फिर उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं तो पतले पार्टिकल बन जाते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग सबसे पहला, और उसका रिजल्ट होता है कि हमें पाउडर फॉर्म। अरे इसके अकेले में ले लो, बहुत बोरिंग चैप्टर है। कि क्या क्या चीज, व्हाट बहुत बोरिंग चैप्टर है, सब रटने का है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सब क्रैम्प करने का है सर, बहुत बोरिंग चैप्टर है। क्या क्या, तेज बोलो। सब क्रैम्प करने का है सर, बहुत बोरिंग चैप्टर है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पाउडर्ड ओर मिल जाती है, पाउडर फॉर्म में ओर मिल जाती है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा इस चैप्टर को, और पढ़ाने का फायदा यही है कि वी आर एबल टू रिमेम्बर, इसलिए मैं बार बार कुछ चीजें पूछ रहा था आप लोगों से। अब पाउडर्ड ओर मिल जाएगी हमें, फिर पाउडर्ड ओर में वो है आपके अर्थी और सिलिशियस इंप्यूरिटीज, उनको हटाने के लिए ताकि वो इंप्यूरिटीज हट जाएं और जो कंपाउंड की फॉर्म में है, जैसे पीबीएस है तो पीबीएस हमें मिल जाएगा ना, या जेडएनएस है तो जेडएनएस हमें मिल जाए, उसमें अर्थी इंप्यूरिटीज गेंग पार्टिकल थे वो हट जाएं। तो उसके लिए अर्थी पार्टिकल और सिलिशियस इंप्यूरिटीज गेंग पार्टिकल को, मैट्रिक्स को हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है, हट जाएगा तो जो मेन चीज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, उस कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना, आपका जो मेन कंपाउंड है वो ज्यादा परसेंटेज में हो जाए, बाकी इंप्यूरिटीज हट जाए, उसको हटाने का हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसी का दूसरा एक और नाम होता है इंडस्ट्री में ड्रेसिंग ऑफ ओर, इसी का एक नाम और होता है बेनिफेक्शन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ड्रेसिंग बेनिफेक्शन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ड्रेसिंग बेनिफेक्शन ऑफ ओर, तो ऑल थ्री वर्ड्स आर यूज एक्सचेंजेबली। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेप का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ड्रेसिंग बेनिफेक्शन ऑफ और के बहुत सारे फर्दर मेथड्स हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका मतलब है लिखो रिमूवल ऑफ, अभी जो मैंने बोला रिमूवल ऑफ अर्दी सिलिसियस इंप्योरिटीज, उनका नाम क्या था, गेंग पार्टिकल या फिर मैट्रिक्स। तो आपको वो कंपाउंड ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की हमें फर्दर कई मेथड पढ़ने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का कौन सा मेथड किस ओर के लिए यूज किया जाएगा वो हमें फर्दर देखना है ना, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें फर्दर मेथड 6 मेथड्स इसके कोरस्पोंडिंग हमें देखने हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के। वी विल टॉक अबाउट दिस, पर पहले ब्रॉड स्टेप्स कौन कौन से उनकी हम लोग बात करते हैं।
ड्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ ओर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ओर है, जो कंपाउंड है, उससे मेटल, क्रूड मेटल हम लोग निकालेंगे, और वो हम लोग निकालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, उसका रिडक्शन करके, क्योंकि ओर में होगा तो सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, कोई तो ओर होगा तो उसमें मेटल पॉजिटिव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एलिमेंटल फॉर्म में रिड्यूस करके ले आएंगे तो रिडक्शन कहलाएगी वो प्रोसेस। तो रिडक्शन ऑफ ओर यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर, रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर करते क्या है इस रिडक्शन में, लिखो मेटल निकालते हैं कंपाउंड से, मेटल निकालते हैं कंपाउंड से, आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कौन सा, इंप्यूरिटी वाला क्रूड मेटल, आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ऑर, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ऑर, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ऑर। सभी बच्चे इसको तुरंत रिवाइज करें, इसको रिवाइज करते रहे, नेक्स्ट टेस्ट में आपके भी मेटलर्जी आ रही है। नेक्स्ट इज, अब एक ही स्टेप में लिख देता हूं मैं, प्यूरिफिकेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ, प्यूरिफिकेशन एंड डिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन डिफाइनिंग के अलग अलग ओर के लिए फर्दर हमारे पास तीन मेथड है। प्यूरिफिकेशन के हम सात मेथड देखते हैं अपने सिलेबस में, रिफाइनिंग के फर्दर आप तीन मेथड देखते हो, प्यूरिफिकेशन के सात मेथड देखते हो। प्यूरिफिकेशन फर्दर रिफाइनिंग होती है उसके बाद, और रिफाइनिंग के बाद 99.9% या उससे ज्यादा प्योर हमें मिल जाता है। प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग का एक कॉमन मेथड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन किस ओर से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक साथ भी लिख दिया। और रिडक्शन के हमारे पास छह मेथड्स हैं, और कॉन्सेंट्रेशन के हमारे पास छह मेथड हैं, और रिडक्शन के भी हमारे पास सिक्स मेथड्स हैं जो हमें अपने सिलेबस में डिस्कस करने होते हैं। अब क्रेशिंग ग्राइंडिंग वाला तो कोई बात है नहीं, प्रेसिंग के लिए हम जो प्रेशर यूज करते हैं, अब इनके फर्दर मेथड में देख लेता हूं। प्रेसिंग के लिए हम लोग जो प्रेशर यूज करते हैं, अब जो प्रेशर का डायग्राम डिटेल आपके लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, और जब उसको ग्राइंड करते हैं फर्दर, फाइन पार्टिकल बनाते हैं क्रश करने के बाद, तो उसकी जो ग्राइंडिंग करते हैं दैट इज By, उसको हम बॉल मिल यूज करते हैं, उसमें बॉल पड़ी रहती है, उसको तेजी से घुमाया जाता है बहुत तेज, बॉल मिल, या एक और मिल का नाम होता है स्टैंड मिल। ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभार ये नाम यूज कर लिए जाते हैं, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके चांसेस नील, चांसेस आर निल। बड़े बड़े जो लम्स होते हैं, बड़े बड़े गोल, भारी भारी चीज है ना, लम्स समझ गए आप, ढेले टाइप, ढेले टाइप, उनको क्रश कर दिया जाता है और उनसे क्रश फॉर्म में और हमें मिल जाती है ना, क्रश फॉर्म में हमें और मिल जाती है। अब मैं कुछ कॉन्सेंट्रेशन और बेनिफेक्शन के कौन कौन से मेथड हमें पढ़ने हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन और बेनिफेक्शन इस मेथड बता के फिर हम कल कॉन्सेंट्रेशन के मेथड डिटेल में एक एक पढ़ेंगे। जस्ट आई एम नेमिंग ऑल दीज, हम देखेंगे किस तरह के और के लिए यूज करते हैं, और फिर इंडिविजुअल मेटलर्जी में कौन सा, फिर डायरेक्टली मैं यूज कर लूंगा। कॉन्सेंट्रेशन का ये मेथड है जी, एक बार मैं कॉन्सेंट्रेशन के मेथड पढ़ा दूंगा जब इंडिविजुअल की मेटलर्जी करेंगे बाद में, ठीक है, फाइन, ओके। इस पेज पे आ जाते हैं, थोड़ा ये 20 के बाद ज्यादा पेज अलाउ नहीं करना,
इस एप्लीकेशन की लिमिटेशन है थोड़ी। Different methods of concentration or benefactions of work, है ना? Concentration, क्या क्या नाम थे जल्दी से बताओ? Concentration of work का दूसरा नाम जल्दी बताओ? Dressing of work. और तीसरा नाम? Benefaction of work. Very good. इस तरह आप साथ साथ बोलते रहो. Of powdered और बोलो तो पहले powdered, crushing और grinding से powdered और मिल चुका है हमें, है ना? पाउडर्ड ओर एग्जैक्टली लिखना चाहो तो ना पाउडर्ड ओर क्रशिंग ग्राइंडिंग हो चुकी है इससे पहले, ठीक है। ये कौन कौन से मेथड हमें पढ़ने हैं? अब इसके मेथड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं और दो पार्ट में हम लोग पढ़ते टाइम पढ़ेंगे इसको इंडिविजुअल मेथड्स। एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन ज्यादा पानी में सोल्यूबल है, कौन ज्यादा ऑयल में सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक वाला और नॉन पोलर। ऑयल में ज्यादा सोल्यूबल होगा जो पोलर होगा, वो पानी में पोलर सोल्यूबल में ज्यादा सोल्यूबल होगा। वेटेबिलिटी किसकी किस में ज्यादा है, कौन किसके साथ अटैच होना चाहता है, कौन किस में डिजोल्व होना चाहता है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ये भी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग यूज करते हैं फिजिकल मेथड ऑफ इसमें। तो इसके मेथड दो हो गए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क के, उनको हम डिवाइड कर देते हैं, एक फिजिकल मेथड्स एंड दूसरा जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम केमिकल मेथड्स ऑफ ड्रेसिंग ऑफ वर्क बोल देते हैं। फिजिकल मेथड हमें तीन पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में और तीनों ही काम के हैं, तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सबको याद होगा, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क का एक मेथड सबने पढ़ा है, बताओ, इतना लिख दिया आगे तो बता दो यार, हर किसी का रटा हुआ है, डायग्राम भी बनाया है 9th-10th में आपने। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस, वेरी गुड। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस थोड़ा वो याद है किस तरह के और के लिए था ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? सल्फाइड ओर, वेरी गुड, लो ग्रेड सल्फाइड ओर या सल्फाइड ओर। इसमें हम कोई फ्रोथिंग एजेंट यूज करते थे, आपको पता है टर्पेंटाइन ऑयल और पाइन ऑयल भी हम लोग यूज करते थे और को अपने साथ चिपकाने के लिए, और जो ऑयल के ऊपर और को चिपकाने में हेल्प करेगा उसको कलेक्टर बोलते थे, है ना। और स्टेबलाइजर भी इसमें यूज करते था कि उसकी जो फ्रोथ बने, झाग बने, वो स्टेबल रहे। तो ये काफी चीज यूज करते थे, ये सब के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन फ्रोथिंग एजेंट है, है ना, कौन स्टेबलाइजर है, कौन कौन यूज किया जाता है उसमें, कलेक्टर कौन है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। बट इसका जो बेसिक फंडा है वो वेटेबिलिटी इन ऑयल एंड वेटेबिलिटी इन वाटर। तो सल्फाइड ओर होते हैं वो मोर कोवलेंट, लेस पोलर होते हैं, तो वो ऑयल जो नॉन पोलर है उसके साथ वेट होना चाहते हैं, गिल्ला होना चाहते हैं, लेकिन जो आपके उसके साथ चिपक के चले जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं, अर्थ इम्प्योरिटीज हैं, गिंग पार्टिकल है, वो पानी में ही पड़े रह जाते हैं, राइट। उसके सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं सस्पेंशन में। एक दूसरा भी काफी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन या सेपरेशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन की स्पेलिंग क्या होगी? SEPERA।
S-E-P-E-R, perfect. S-E-P-E-R. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, सिर्फ इतना ही बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन. इसका क्या प्रॉपर्टी है? इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि कौन सा दो चीज है जिनको अलग करना है, एक और दूसरा उसमें इम्प्योरिटी. भाई और तो सब चीजों को मिला के बोलते हैं, बट और मतलब वो कंपाउंड की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका मेटल छुपा हुआ है, वो वाला कंपाउंड उसको और ही बोल देते हैं फॉर ए टाइम, जो काम की चीज है. बाकी जो इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज हैं, अर्थी इम्प्योरिटीज और दोनों में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए, वो मैग्नेटिक होना चाहिए, और दूसरा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए. कोई भी हो सकता है, इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो सकती है और नॉन मैग्नेटिक हो सकता है, और पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, कैसा भी हो मैग्नेटिक होना चाहिए. और अगर हम बात करें और मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो उसमें लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो उसके चिपक जाए वो चीज, है ना, अपने फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, तो चिपका रहेगा, तो एक चिपका रहेगा तो दूर जाके गिरेगा बेल्ट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में, और जो चिपकेगा नहीं वो पहले ही गिर जाएगा, था कितने का मौका होगा. बस ये फिजिकल मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. नेक्स्ट मेथड है आपका नेविगेशन, इसी का दूसरा नाम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसी का ही तीसरा नाम लोग बोल देते हैं ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी सेपरेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, या विल्फ्रे टेबल इसमें यूज करते हैं, उसके नाम पर इस मेथड को टेबलिंग भी बोलते हैं. ये सब नाम होते हैं, लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन या विल्फ्रे टेबल यूज करते हैं, इसलिए टेबलिंग भी बोलते हैं. दीज आर थ्री फिजिकल मेथड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल. केमिकल मेथड्स में अगर मैं बात करूं, लीचिंग हम काफी पढ़ते हैं, लीचिंग ऑफ ओर, फिर हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस बोर्ड में पूछा जाता है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टेड चिकन आपने खाया है, रोस्टेड आपने पनीर खाया है, रोस्टेड चीजें आपने खाई हैं. रोस्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ? रोस्टिंग का मतलब बताओ क्या होता है? रोस्टिंग का मतलब भाई ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में किसी चीज को गर्म कर किया जाए तो रोस्टिंग. और जैसे सल्फाइड ओर की रोस्टिंग की जाती है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो उसको रेड्यूस करना और मेटल प्राप्त करना बहुत आसान है. एक बार हमें PbS PbO में कन्वर्ट हो गया तो PbO ऑक्साइड को रेड्यूस करना आसान है. इसलिए जो नेक्स्ट मेथड होता है ना रिडक्शन कॉन्सेंट्रेशन के बाद, जो आपका रिडक्शन मेथड होता है, उस रिडक्शन के लिए सल्फाइड को पहले रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड को रेड्यूस करना आसान है इन कंपेरिजन ऑफ सल्फाइड. ये रोस्टिंग जनरली जरूरी नहीं है, कार्बोनेट के लिए रोस्टिंग यूज की जाती है, पर सल्फाइड के लिए बहुत ही कॉमन होती है, इसलिए दैट्स व्हाई इट केम टू माय माइंड. और कैल्सिनेशन मतलब वो भी गर्म करना ही है, कैल्सिनेशन मतलब भी गर्म करना ही है. कैल्सिनेशन मतलब क्या? तो अब्सेंस ऑफ एयर या फिर पार्शियल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. ठीक है, अब मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं. नेक्स्ट इज सेकंड मेजर मेटलर्जी का प्रोसेस थी रिडक्शन ऑफ ओर. रिडक्शन ऑफ ओर हमें करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर का, रिडक्शन हमें करना पड़ता है उससे
क्रूड मेटल हमें निकालना पड़ता है, लेकिन अलग अलग मेटल की मेटलर्जी में रिडक्शन के अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। तो रिडक्शन के कौन कौन से मेथड हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन के सारे मेथड पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम रिडक्शन के सारे मेथड पढ़ेंगे जो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो रेड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज करेंगे तो कार्बन रिडक्शन मेथड बोलेंगे उसको। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम यूज करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन मेथड बोलेंगे। मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट तो एल्यूमिनियम मेटल यूज करेंगे रेड्यूसिंग एजेंट तो एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड। हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होगा तो हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ कर लेते हैं, यानी कि सेल्फ रिडक्शन मेथड, खुद के साथ ही कुछ कुछ कर लेते हैं, सेल्फ रिडक्शन मेथड। ठीक है, और एक सेल्फ रिडक्शन मेथड हो गया आपका सर, थ्री के बाद फोर आएगा। ओके, मैं फोर, थ्री के बाद फोर। एक और हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल रिडक्शन मेथड। देखो एक रिडक्शन में भी इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिकल मेथड यूज किया जाता है और एक रिफाइनिंग में भी किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी होता है और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी होती है। दोनों स्टेप ऑफ मेटलर्जी में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं रिडक्शन के लिए भी और रिफाइनिंग के लिए, बोथ वे इट इज यूज। अब ये क्रूड मेटल हमें मिल चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल मिल चुका पर उसके साथ इंप्योरिटी है, ड्रॉस है। अब ये जो क्रूड मेटल मिल चुका इससे फर्दर इंप्योरिटी रिमूव करनी है ताकि मेटल प्योर हो जाए। तो प्योरिफिकेशन के मेथड कौन कौन से वी नीड टू डिस्कस। प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल उसमें सर आपने रिडक्शन ऑफ ओर में लास्ट वाला क्या लिखवाया था। रिडक्शन ऑफ ओर में मैंने इलेक्ट्रिकल सेल्फ रिडक्शन और CnCO और एक मेटल एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन ये सब लिखवाए थे। हो गया कवर? यस सर। लास्ट वाला सेल्फ रिडक्शन और इलेक्ट्रिकल था। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन रिडक्शन किसके लिए सक्सेसफुल है, सेल्फ रिडक्शन मेथड किसमें यूज किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडक्शन है, कार्बन से रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन, एल्यूमिनियम से रिडक्शन, हाइड्रोजन से रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन और इलेक्ट्रिकल मेथड। तो रिडक्शन का कौन सा मेथड किसके लिए यूजफुल है, लीचिंग किसके लिए यूजफुल है जब हम इंडिविजुअल मेटलर्जी की बात करेंगे। पहले तो इन मेथड के बारे में जानेंगे और उसके बाद इंडिविजुअल मेटलर्जी में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन का मेथड किस ओर से किस मेटल को निकालने के लिए यूज करेंगे, इन्हीं में से कोई यूज करेंगे बाद में हम, जो हम पहले पढ़ लेंगे मेटलर्जी में। पहले इन सब मेथड को समझ लें, बाद में इंडिविजुअल की मेटलर्जी में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहला है आपका, छोटे छोटे मेथड है ये, क्यूपलेशन। क्यूपलेशन क्यूपल यूज करते हैं, एक वेसल होता है। फिर लिक्वेशन जो आसानी से मेल्ट हो जाए वो पिघल के चला जाएगा, लिक्वेशन छोटे छोटे मेथड है। कोई मरकरी में घुल जाए तो अच्छी बात है, एमलगमेशन, एमलगम बनना। कोई डिस्टिल हो जाए, डिस्टिलेशन।
पोलिंग एक मेथड होता है और एक पार्क्स मेथड भी होता है, लेस यूजफुल। और एक और हम इवन पढ़ते हैं, बेसिमराइजेशन, प्यूरिफिकेशन के लिए वी स्टडी ऑल दिस। लास्ट में है आपका रिफाइनिंग ऑफ प्यूरिफाइड मेटल। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग को एक साथ ही लिख देते हैं, सारे मेथड एक साथ गोलमोल करके लिख देते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हालांकि प्यूरिफाइड वाला क्या लिखा है आपने? BESSE, बेसिमराइजेशन, MERISATI, बेसिमराइजेशन। सिक्स्थ वाला ये है आपका PARK, पार्क्स मेथड। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बस लास्ट हमें तीन प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग के कौन कौन से इनपुट, ये पे तो अभी टिक कर लेना, ये तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पूछ जाते हैं। एक होती है, ये तीनों बहुत ही पूछ जाएंगे, इनके ऊपर नोट्स लिखने आ जाते हैं बोर्ड में। तीनों मेथड बड़े गजब के हैं। वेन अर्कल मेथड V4 वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें उड़ा देते हैं हम लोग एक कंपाउंड की फॉर्म में जो वोलेटाइल होता है, फिर दोबारा से उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, दोबारा मेटल मिल जाता है, बीच में एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज यूज होता है इस रिफाइनिंग प्रोसेस में, वेपर फेज रिफाइनिंग। एक होता है जोन रिफाइनिंग, इसमें इम्प्यूरिटी का सोलुबिलिटी किसमें है वो फंडा होता है। जोन रिफाइनिंग जरूर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जोन रिफाइनिंग पे नोट लिखना, ये सब तो बहुत ही। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इन सब के ऊपर नोट्स लिखने जरूर आते हैं, बड़े फेमस है। ऑल ऑफ दीज आर वेरी फेमस, राइट। इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन रिडक्शन, ये सब हो गया। चलो क्लास कब खत्म होगी, काफी टाइम हो गया। ओके दोस्तों, लेट अस स्टॉप हियर। कल हम कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। कल भी दो क्लास होंगी। हाँ, व्हाट इज द इश्यू? नहीं कुछ नहीं, बहुत कम है।